समिति का उद्देश्य तमाम आ रहे सुझाव व्हाट्सएप के माध्यम से हो, विभिन्न प्रकोष्ठों के माध्यम से हो, या वैसे भी बिहार भ्रमण के दौरान जितने सुझाव अभी तक हम लोग को मिले हैं उसकी समीक्षा करके एक इसका अंतिम प्रारूप तैयार किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की हार्ड कॉपी से लेके सॉफ्ट कॉपी तक घर घर तक हम लोग पहुंचाने का काम करें। इसकी विस्तृत जानकारी मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल होंगी, ट्विटर प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक का हो, इंस्टा का हो, जितने भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी इसकी विस्तृत जानकारी वहाँ पर दी जाएगी कि अभी तक हम लोग क्या सोच रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या क्या सुझाव आ रहे हैं, या उसके माध्यम से कहाँ पर लोगों को सुझाव देने हैं। तमाम नंबर्स भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबके साथ शेयर किए जाएंगे। तो अब इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में बिहार और बिहारियों के सपनों का बिहार बने, ना कि किसी नेता और राजनीतिक दल की महत्वाकांक्षाओं का, इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, हर एक बिहारी की भागीदारी की उम्मीद रखते हुए इस बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को आगे लेकर जाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव और समीप है और पूरी तरीके से पार्टी अब चुनावी मोड में उतर गई है, तमाम तैयारी। पुनः आप लोग गठबंधन पे सवाल पूछो, उससे पहले मैं बोल दूं कि गठबंधन चुनाव के वक्त तय किया जाएगा किसके साथ होना है नहीं होना है, पर उससे पहले पार्टी की संगठन को लेकर तैयारी हो, पार्टी के नीतियों को लेकर तैयारी हो, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर तैयारी हो, या जनसंपर्क या जन कार्यक्रम को लेकर तैयारी हो। आने वाले दिनों में नवंबर में हम लोग पार्टी के स्थापना दिवस के दिन पटना के गांधी मैदान में हम लोग एक बड़ी रैली का भी हम लोग आयोजन करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं चुनाव की ठीक पूर्व संध्या के आसपास होगी। 28 नवंबर को पार्टी का स्थापना दिवस होता है, उस दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक बड़ी रैली पटना के गांधी मैदान में करने जा रही है। तो जनसंपर्क के माध्यम से हो, नीतियों के माध्यम से हो, संगठन के माध्यम से हो, प्राथमिकता 2024 और उसके साथ या उसके बाद होने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अपने आप को तैयार करना है। एक समिति का गठन किया गया है जो इस बात को निर्धारित करेगी कि जो जो भी सुझाव आ रहे हैं, और उसमें तमाम प्रकोष्ठों के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके प्रकोष्ठों के भी द्वारा कई ऐसे विषय हम लोग की जानकारी में आएंगे, युवा, महिला, अति पिछड़ा हो, किसान प्रकोष्ठ हो, मजदूर प्रकोष्ठ हो, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हो, जितने भी ऐसे प्रकोष्ठ हैं उनके माध्यम से छात्र प्रकोष्ठ हो। छात्रों की एक बड़ी समस्या रही है, भैया 3 साल का कोर्स 5-5, 6-6 साल तक कम्प्लीट नहीं होता, पेपर लीक यहाँ पे हो जाता है। तो इन तमाम विषयों को हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में इनकॉर्पोरेट करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। इसी संदर्भ में एक 7 सदस्यीय समिति का भी हम यहाँ पर गठन कर रहे हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार जी होंगे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व विधायक श्री सतीश कुमार जी होंगे, इसमें राष्ट्रीय महासचिव